वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान समय, उसमें जो भविष्य मल्लिका को लेकर जो है बहुत सारी बातें की जा रही है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि कुछ समय पश्चात जो है सनातन धर्म में जो है ऐसा प्रलय आने वाला है, ऐसा दुनिया में प्रलय आने वाला है कि पूरी दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी, बहुत कम लोग बचने वाले हैं। 2025 तक 2030 तक पूरी दुनिया ही आधी समाप्त हो जाएगी। कोरोना उसका संकेत है, जापान में आने वाले भूकंप उसका संकेत है, बड़े बड़े जो भूकंप आ रहे हैं बड़े बड़े देशों में वो सब भूकंप है, और जो वर्ल्ड वॉर शुरू होने की बात है वो रशियन यूक्रेन वॉर को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमास और जो इज़राइल का जो लड़ाई चल रहा है ये भी संकेत है। इसके अलावा तो कई लोग कह रहे हैं कि 13 देशों के साथ जो है मुस्लिम देशों के साथ मिलकर चीन जो है भारत पर आक्रमण करेगा, फिर कल की अवतार भी होने वाला है। आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का जो अवतार होने वाला है वो कल की अवतार भी होने वाला है। सुन के नहीं लग रहा किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है? अरे मेरे भाई, इंसान हो, इंसान के जो है पैजामे में रहो, क्योंकि अपनी अवकाश से ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि भाई ये एक तरह से मजाक है। आप सोचेंगे कितना डर है वो इस चीज़ को देखकर, क्योंकि आप बताइए कि हमारी जो क्षमता है जितनी सीमित क्षमता है उतने में ही रहना चाहिए, आदमी को इतना प्रिडिक्शन भी नहीं करना चाहिए। मुझे एक समय याद आता है 2012 का, और 2012 में रहते हुए मैंने 2012 मूवी अलग देख लिया था। इतना खौफ, इतना डर था भाई कि ना 31 दिसंबर तक हम लोग कांप रहे थे। लेकिन सोचो 2013 का न्यू ईयर मनाते हैं, वो भी क्रिश्चियन न्यू ईयर, उस पर मनाते हैं, फिर पहुँच जाते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं उखड़ता भाई, कुछ नहीं होता है उसके बाद। तो ये बात है कि आप जो है भविष्य हो, भविष्य को जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और कई लोग तो इतने महान हो चुके हैं कि भविष्य पुराण और जो हम भविष्य मल्लिका दोनों को मिक्स कर रहे हैं। भविष्य पुराण अलग है भाई, जो कि वेद व्यास ने लिखी, जो कि 18 महापुराणों में से एक है, और भविष्य मल्लिका भी अच्युतानंद जी ने लिखी, जो कि 500 वर्ष पहले लिखे गए, उसका जो ओरिजिनल कॉपी जो है अवेलेबल नहीं है। ये आप याद रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुस्तक आप शुद्ध हिंदी में पढ़ रहे, शुद्ध जो है एकदम सरल भाषा उड़िया भाषा में पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल ही जो है झूठा पुस्तक है। क्यों झूठा पुस्तक है? क्योंकि कई सारी जो प्रिडिक्टेड चीज़ें उसको जो है देख के जो है छानबीन करके लिखी गई है बिल्कुल। और ऐसी बात है तो आगे चल के वो लोग बताते क्यों नहीं है कि कौन जो है क्या करने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हर चीज़ पता ही है तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम जीवन क्यों जी रहे हैं भाई? अगर सब चीज़ फिक्स ही है तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो निष्काम कर्म के बाद अर्जुन को क्यों कहते हैं भगवत गीता में? ये सब जो है मूर्ख बनाने के लिए आपको किया जा रहा है, जबकि भविष्य मल्लिका की जो असली किताब है वो किसी के हाथ में ही ऐसे आ जाएगी, ऐसी तो बात नहीं है। और उसमें इतने डिकोडिंग, इतने कोडिंग कर करके जो है उसको वर्ड को लिखा गया है च्युतानंद जी के द्वारा, जो कि मनुष्य के, साधारण मनुष्य के समझने योग्य ही नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप आप जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस सभी जानते होंगे, छंद छंद दोहे दोहे सभी के घर में याद है, हनुमान चालीसा सभी को याद है, सभी जानते ही है, सनातनी है वो। तो उसमें एक केवल श्लोक है, एक केवल एक दोहा, एक लाइन है जिसको जो बहुत ज़्यादा वायरल किया गया। क्या लाइन था? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी लाइन में मात्र दो लाइन है, इसमें जो इतने बवाल हुआ था कि लोग बोल रहे हैं कि ढोल गवार के समान नारी को शूद्र के समान बताया गया है, नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया गया है, नारी के साथ अन्याय की बात की जाए। लेकिन सोचे अवधि भाषा में, जिसको जो कहते हैं कि कुछ अवधि भाषा में जो रामचरितमानस, इतना सरल भाषा, इतना लोक भाषा जिसको जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इतने सरल भाषा में लिखा, तो इस छंद का, इस दोहे का जो अर्थ है, वो इस लाइन का अर्थ जो है लोगों को जो ठीक से पता नहीं है। और लोग बात कर रहे हैं कि अच्युतानंद जी के द्वारा लिखा गया जो एकदम डिकोडिंग, एकदम कोडिंग भाषा में जो लिखा गया, उड़िया भाषा में इतना कठिन जो है छंदों में लिखा गया, उसको जो लोग डिकोड करने की बात करते हैं। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस की दो लाइनों ने तो जो है पूरे मानव संसार के जो इतने शिक्षा के जो अपने आप को दिखावा करते हैं उनके पाखंड को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि एक डिकोड अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। कई लोग ताड़ना करते देखने से ला रहे हैं, कई लोग मारने से ला रहे हैं, कई लोग कुछ अलग ही दुनिया में चले जा रहे हैं। तो सोचिए आप इतने दो सरल लाइनों का जो अर्थ निकाल नहीं पा रहे सही से, आप उसमें जो है एक तरह से कंक्लूजन नहीं पहुंच पा रहे। और लोग बात करते हैं हमें कि जो है वो भविष्य मल्लिका के बारे में जानते हैं, और सोचो ऐसी मूर्ख बनाने के लिए कुछ कंपनीज है, कुछ लोग हैं जो कि मिले हुए साजिश करके इसके भविष्य का जो लोगों के बीच में डर, इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। सनातन धर्म क्या बात में आया, लोग तो जो है ऐसे ऐसे बातें करने लगे कि वो भविष्य भी जानते हैं। सोचिए भविष्य पुराण किस लिए है? और हमारे बड़े बड़े योगी मुनि हैं, उनका भी सपोर्ट कई लोग कर रहे हैं कि भविष्य मल्लिका सच में जो दुनिया का तबाह करने वाली है, फिर जो भविष्य जो है हमारा बहुत संकट में है। तो आप बताइए, आपके जो भी क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके हिसाब से जो पहला जनवरी में ही जो किसका उद्घाटन होता है, कौन आते हैं? भगवान श्री रामचंद्र पधार चुके हैं, श्री राम लला चुके हैं, मथुरा केस चलने वाला है, काशी विश्वनाथ में रिसर्च हो रखा है। तो बताइए आपको कौन से भविष्य मल्लिका की डर है, आपको किस चीज़ का डर है? राम आ चुके हैं, श्री कृष्ण आने वाले हैं, श्री काशीपति विश्वनाथ जो है वो भी जो है आने ही वाले हैं, वो तो है ही, सदैव शिव शंभू है, वो स्वयंभू है। तो इस प्रकार से आपको किस चीज़ का डर है? आपको किसी ऐसे मूर्ख इंसान का डर है जो कि ऐसे किसी भी किताब को लिख के जो आपको डरा सकता है? आप अपने आप में स्वयं तर्क कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि सनातनी हो तो अपने सनातन धर्म पर विश्वास रखो, अपने वेद पुराण पर विश्वास रखो, किसी भी तरह के किसी भी मूर्खों के द्वारा लिखे गए पुस्तक पर आप भविष्य मल्लिका समझ कैसे विश्वास न करो। भविष्य मल्लिका होगी उसमें बिल्कुल कुछ सूत्र लिखे होंगे, लेकिन वो किसके पास है, वो कहाँ है, ऐसा कोई साक्षात प्रमाण नहीं है कि अच्युतानंद जी द्वारा ही लिखा गया भविष्य मल्लिका पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो छंद और दोहे है वो अलग है, और इसमें जो लिखा गया है वो एकदम सरल है।
क्योंकि महर्षि जो अच्युतानंद जी जिन्होंने लिखा है वो इतने जो कठिन है उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसके जो छंद और दोहे हैं उसको। जिस प्रकार से जो आप मूर्ख ना बने, आप भी जो सनातन को जानिए, आप स्वयं रिसर्च कीजिए कौन कितना सही है क्या है, ऐसे किसी के बात में ना आए। तो आप इस क्रम में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स के जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।